हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मॉर्निंग उठी हूँ 6 बजे। इस वक्त क्या टाइम हुआ, इस वक्त हुआ है 7:15। और बस अभी अपना थोड़ी देर पहले अपना गर्म पानी पिया है, और गर्म पानी पीने के बाद मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रही है भिंडी की सब्जी। तो घर वालों के लिए कर रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट, लंच की तैयारी। डिनर तो भैया रात को बनेगा, तो अभी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी एक साथ हो रही है। ठीक है, तो चलो। तो ये है हमारी ब्रेकफास्ट की प्लेट। ये आरवी का छोड़ा हुआ बेसन का चीला है, तो मैं लेकर आ गई, वरना मुझे डस्टबिन में डालना पड़ता। तो ये है मेरा एक बेसन का चीला, और मुझे सुबह की चाय ब्रेकफास्ट के साथ में चाहिए होती है। तो वैसे मैं बहुत बड़ी टी लवर हूँ, तो वैसे मुझे दिन में 4 से 5 बार चाय पीना पसंद था, लेकिन जब से मैंने डाइट स्टार्ट करी है उसके बाद से मेरी जो चाय का इंटेक है वो मैंने सिर्फ दिन में एक बार कर दिया है। दिन में एक बार मुझे चाहिए, वो भी नाश्ते के बाद। तो मैं अपनी चाय भी साथ बना के लेकर आ गई हूँ। और आज है पुदीने की चटनी, और उसके साथ में है, रात को ना हमारे पास हमारे बनी थी आलू और बड़ियों की सब्जी। और रात को क्योंकि मैं सब्जी नहीं खाती हूँ, मैं रात को सिर्फ दाल लेती हूँ, तो ये सब्जी मैंने बचा के रख ली थी, मुझे पसंद है। अब मैं चीले के साथ में सब्जी खाने वाली हूँ, तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। ब्रेकफास्ट के बाद अगर चाय मिल जाए गरम गरम, कितना मजा आता है ना, कितना सुकून मिलता है चाय पीने से। हाँ हाँ हाँ, क्या फीलिंग है ना। तो मैं बस अभी ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, और अब मैं जाऊंगी घर की क्लीनिंग करने के लिए। सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैंने घर में हर किसी को ब्रेकफास्ट करवा दिया है मेरे करके। फिर आप लोगों को सीधा इसी कमरे में वापस मिलती हूँ सारा काम फिनिश करने के बाद। ओके, तो मुझे अभी मौका मिला है, मैं बस अभी नहा कर आई हूँ, थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, और आउच सारा घर का काम कर आई हूँ। और इस वक्त कुछ बज रहे हैं, 12:30 बजे का टाइम है इस वक्त, और मैं ले रही हूँ अपना मील नंबर 3। उप्स, छोटा मोटा जो हमें खाना होता है, विच इज़ फ्रूट। तो मैं ये खा रही हूँ। आजकल वाटरमेलन आने शुरू हो गए हैं, गर्मी का टाइम है, और बहुत अच्छे अच्छे वाटरमेलन आ रहे हैं, मीठे मीठे। तो एक मिनट, ये क्या हो गया है। हाँ, तो एंजॉय। वाह, बहुत अच्छा है यार, इसके ऊपर काली मिर्च और काला नमक डाल लो, कितना बढ़िया टेस्ट कर रहा है। जो कुर्ता दिखाया है ये मुझे मिला है गिफ्ट में, और जो इसके साथ जो प्लाजो है
ये मेरे पास पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पर ना आरवी बैठी हुई है, मुझे एक बार आरवी दिखाना, फिर ले जाना। तो और दूसरा मिला है मुझे ये बड़ा है क्यूट सा, क्या बोलते हैं उसको, पर्ल का नेकलेस, और साथ में छोटे छोटे प्यारे से बीड्स। मुझे ये चाहिए थे, मुझे बहुत पसंद है ये, इस तरीके से। तो इसको ओपन करते हैं, या मतलब मैंने तो ओपन कर दिया, बट कहते हैं कि जब गिफ्ट आता है तब आप रोक नहीं सकते, तो मैंने ओपन करके देख लिया था। बट मैंने वो अभी कुर्ता वगैरह पहन के नहीं देखा है, और ये भी नहीं पहन के देखा, मेरे को लगा कि मैं वीडियो में ही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये बड़ा क्यूट सा है, मैं दिखा देती हूँ, बड़ी प्यारी सी पैकेजिंग है, बड़ा क्यूट सा है, और लकीली जो है वो मैच हो जाएगा उसमें, है ना। इस तरीके से इसमें आया है, इसमें इसको खोल देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये बड़े ही प्यारे से क्यूट से इयररिंग है, ये देखो आप देख सकते हो इयररिंग, मैं दूसरी दिखा रही हूँ, तो ये मैं पहन के दिखाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये है बड़ी प्यारी सी इसकी नेकलेस, जो कि हम यहाँ पर अभी पहनेंगे। तो मैं पूरा पहन पहन के फिर आपको दिखाती हूँ। छोटी सी वीडियो आज के लिए आप लोगों को, और मुझे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और आगे ऐसे गिफ्ट मिलते रहे ऐसी उम्मीद करती हूँ, ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहे, ऐसी अप्रिसिएशन मिलती रहे, चाहे किसी भी फेस्टिवल के नाम की हो, बस मिलती रहे है ना। एक वाइफ को और क्या चाहिए, अगर बिना मांगे आपके हस्बैंड अगर आपको प्रेजेंट देते हैं, आपको एनकरेज करते हैं किसी चीज के लिए, और आपको हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ मिलता है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कह सकते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत जितनी भी हाउसवाइफ्स होंगी वो मेरी इस बात से अग्री करेंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने पहना भी है, और जस्ट मैं फटाफट चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि घर है 100 काम होते हैं, ऐसे में इस तरह के कपड़े आप घर में तो पहन नहीं सकते हो। तो कभी अच्छा ओकेजन देख के बिल्कुल सेम अटायर सेम चीज़ ऐसे पहनने वाली हूँ, तो कब पहनोगी वो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन आज की। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी सी वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिएगा, बाय गाइस, टेक केयर। और क्या छोड़ो, और वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और हाँ, एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि मैं आपके साथ में जल्दी ही एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि मैं कैसे वो आपसे वो दो वीडियो शेयर करूँ जब मैं उनसे मिली। यार यहाँ के लोग ना बिना फालतू बात में हॉर्न बजा के जाते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी आप लोग साथ में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो उसकी मुझे बहुत 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 खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं टाइम से उस वीडियो को आप लोगों को नहीं दिखा पाई, तो वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, और अब सब्जी वाला आ रखा है हमारे गेट के बाहर, मैं जाती हूँ सब्जी लेने के लिए। बाय बाय।